नमस्कार। आज चार्ट स्कैन में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस में कंटिन्यू गिरावट का रुख रहा है। इंटरनेशनल में हमने देखा प्राइसेस $2 के ऊपर गया जरूर था, बट बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल हमें लगता है फंडामेंटल इस वक्त नेचुरल गैस के काफ़ी वीक है। जिस ढंग से हमने देखा लॉकडाउन है, इंडस्ट्रियल डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड दोनों में ही हमने भारी गिरावट देखा है। वेदर कंडीशन में कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है कि डिमांड इमीडिएट शूट अप हो जाए। हाँ, बीच में कुछ पाइपलाइन शटडाउन हुई थी जिसके चलते प्राइजेस को हमने 160 का भी लेवल छूते हुए देखा था, बट ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस में गिरावट का रुख रहेगा। क्रूड का भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट गैस पे पड़ता है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में क्रूड में जो तेजी आई है, इसके चलते गैस को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला था, बट अभी भी डिमांड कंसर्न बना हुआ है जिसके चलते हमें लगता है आने वाले दिनों में गैस के प्राइजेस में गिरावट रहेगी। सबसे पहले अगर आउटलुक देखें तो पिछले एक महीने में हमने करीबन 4.5% की गिरावट गैस के प्राइसेस में आते हुए देखा। जनवरी से अभी तक 10.5% की गिरावट आती हुई देखी है। टाइमिंग देखा जाए तो लो डिमांड का फोरकास्ट किया गया है मिड मई तक, और वेदर कंडीशन भी माइल्ड है जिसके चलते कोई ऐसी बड़ी डिमांड नहीं लग रही है। लॉकडाउन के चलते भी डिमांड कम है। साथ में EIA ने जो प्रोजेक्शन किया है उसमें बताया है कि जो एनुअल एवरेज डिमांड है वो 91.7 BCF के अगेंस्ट 87.5 रह गई है, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाते हुए दिखा रही है प्राइस पे। ओवरऑल हमें लगता है जो डिमांड प्रोजेक्शंस है वो आने वाले टाइम में और गिर सकती है लॉकडाउन के चलते, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक नेगेटिविटी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। टेक्निकली भी देखें तो $2 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। आइए चार्ट के जरिए हम देखते हैं प्राइस का आउटलुक। इनिशियली अगर आप देखेंगे तो 120 के करीब सिंस मार्च हमने देखा मल्टीपल ऑफ टाइम प्राइजेस ने लो जरूर मारा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि प्राइजेस 120 के नीचे नहीं जाएंगे। वहीं हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा पैटर्न बना था जिसमें हम बोलते हैं हायर हाई पैटर्न बना है। हायर हाई पैटर्न का मतलब है कि हमेशा प्रीवियस हाई तोड़ रहा है, और हमने इसी चैत पे प्राइजेस को 163-164 का भी लेवल बनते हुए देखा। बट एक ये चैनल बना हुआ है, इस चैनल को ही छूने के बाद मार्केट में फिर से गिरावट आ गई है। तो टाइमिंग हमें लगता है कि प्राइजेस में इमीडिएट टारगेट तो 132 का है, बट अगर ये फर्दर फॉल होता है तो प्रीवियस जो बेस बना था वो बेस था करीबन 120 का, यहाँ तक प्राइजेस दिखा सकते हैं। RSI में भी हम ड्रॉप देख रहे हैं, साथ में DMI अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है जो बुलिश पैटर्न बना था अब वो लिक्विडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉलिटिलिटी थोड़ी कम है, बट आने वाले दिनों में अगर वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो हमें लगता है प्राइजेस में एक भारी गिरावट रह सकती है, जो 132 का इमीडिएट टारगेट और 132 तोड़ने पे हो सकता है 123 से 124 तक के भी लेवल प्राइजेस में देखने मिल जाएंगे। वहीं अगर सीजनलिटी की बात करें तो नो डाउट मई और जून हमेशा तेजी का रूप दिखाता है, बट पिछले साल से कुछ फंडामेंटल चेंज हुए। पिछले साल भी हमने ये पीरियड में एक भारी गिरावट आती हुई देखी है। इस बार भी हमें लगता है कि प्राइजेस में मई और जून में गिरावट रहेगी, क्योंकि COVID-19 की वजह से भी मार्केट में कोई बड़े बायर्स अवेलेबल नहीं है, या इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें वो काफ़ी कम है, जिसके चलते दबाव रहने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप KDI एडवाइजरी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको कमोडिटी की न्यूज़, लाइव कॉल्स और रिपोर्ट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद।